माफिया अतीक अहमद की करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति को सोमवार को कुर्क कर लिया गया है। कोसपुर कठुला इलाके में 16 रकबों में पुलिस ने करीब 12 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति कुर्क की। अतीक अहमद ने ये संपत्ति दलितों से जबरन अपने आदमियों के नाम कराई थी। प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई से पहले उक्त जमीन पर बोर्ड लगाकर मुनादी कराई। कुर्की की कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। इससे पहले भी पुलिस अतीक अहमद की करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों पर फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। इस बार प्रयागराज में पुलिस ने अतीक अहमद की करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया है, जो एयरपोर्ट के नजदीक होने की वजह से कीमती थी। धूमनगंज थाना क्षेत्र के गौसपुर कटोल इलाके में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस इलाके में अतीक अहमद की 25 बीघे की बेनामी संपत्ति पर मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई की गई। यहां पुलिस कमिश्नर की कुर्की आदेश का बोर्ड लगाया गया। आज पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नर प्रयागराज के आदेश के क्रम में ये जब्तीकरण की कार्रवाई करी गई है। ये धारा 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई है। ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी, जो हुबलाल नाम के व्यक्ति के नाम थी। यह करीब 23,447 वर्ग गज ज़मीन है, जो करीब 5.5 हेक्टेयर है और जिसकी अनुमानित कीमत 12.5 करोड़ रुपये है। ये 16 घाटों में बटी हुई है और ये सबसे बड़ा घाटा है। आज यहाँ पे जब्तीकरण की, इन सभी 16 घाटों में जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। पुलिस कमिश्नर ने स्थानीय गैंगस्टर कोर्ट से कुर्की की अनुमति हासिल की थी। आदेश मिलने के बाद सोमवार को इलाके में भारी पुलिस को लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने यहां कुर्की संबंधित बोर्ड लगाकर फिर ढोल बजाकर मुनादी कराई। इलाके में अलग अलग 16 रकबों में फैली ये संपत्ति माफिया ने कम कीमत में एक दलित मजदूर खूबलाल के नाम से 8 साल पहले खरीदी थी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की बेनामी संपत्ति पर प्रशासन की तरफ से आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रयागराज शहर के कटहुला गौसपुर इलाके में ये प्रॉपर्टीज हैं, 16 अलग अलग प्रॉपर्टीज है जहां पर पुलिस ने आज कुर्की की कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं कटहुला गौसपुर का ये वो इलाका है जहाँ पर अतीक अहमद ने कमजोर वर्ग के लोगों से बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज एक दूसरे कमजोर व्यक्ति जिसका नाम हुबलाल है उसके नाम कर रखी थी और उस बेनामी संपत्ति के जरिए वो अपना बेनामी संपत्ति का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने 2 दिन पहले ही हुबलाल को इस मामले में पूछताछ के बाद उससे डॉक्यूमेंट्स लिए थे और उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि अतीक अहमद हुबलाल को एक मीडिएटर के रूप में इस्तेमाल करता था और गरीब दलित लोगों की संपत्ति जो बहुत उस वक्त सस्ती थी उसे खरीद कर अपने कब्जे में लेने के बाद में इस्तेमाल करता था। आपको ये भी बता दें कि माफिया अतीक अहमद की ये 5वीं इस तरह की कार्रवाई है उसकी बेनामी संपत्ति की जो प्रशासन की तरफ से की गई है और पुलिस का ये भी कहना है कि अभी भी करोड़ों की संपत्ति प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में है जो बेनामी है और जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस आयुक्त की तरफ से एक बड़ी टीम भी मौजूद रही, बाकायदा डुगडुगी की गई और डुगडुगी करने के बाद में यहां पर कुर्की का अमल किया गया है। महज 400 रुपए रोज की मजदूरी करने वाले हुबलाल ने 1 दिन पहले ही इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। इस संपत्ति को खुलदाबाद थाना में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में चिन्हित किया गया था। पुलिस का कहना है कि हुबलाल के अलावा कई और लोगों के नाम अतीक अहमद ने सैकड़ों करोड़ की बेनामी संपत्ति खरीदी थी, जिसे चिन्हित करने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।